शुरू करेगी जो पहले 1480 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी का करेंगे और उसके बाद फिर एमसीडी। संजय सिंह के घर पर रेड हुई है आप सांसद, ये पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं, इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ़ इन्होंने इतने आरोप लगाए, कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले एक साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। सर जातिगत जनगणना आने वाले दिनों में एजेंसियों के द्वारा क्या तैयार है विपक्षी दल, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, क्या विपक्षी दल तैयार है? पहले आप लोग ये बात कह वो तो करेंगे। देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी। लेकिन इसे घबराना नहीं है, ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं होता।